ये है मेडन सा एमटेक VT 230 का पावर कार्ड है। इसमें SMPS सेक्शन का प्रॉब्लम था जिससे करके डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा था। SMPS की प्रॉब्लम थी, अभी देख सकते हो आप यहाँ पे दो लाइट ऑन हो गए हैं, मतलब SMPS सेक्शन ऑन कर दिया है। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स SMPS के ही आते हैं, SMPS के रिलेटेड ही आते हैं। ये जो IC लगी है M5199 5AFP, इसका प्रॉब्लम था। ये शॉर्ट हो गई थी वन साइड से, ग्राउंड और VCC इसके शॉर्ट बता रहे थे। इसके कारण मैंने PC929 जो गेट ड्राइवर IC है वो भी निकाल दी थी सारी की सारी। 6 IC लगती है गेट ड्राइवर, नेगेटिव की 3, पॉजिटिव की 3, तीनों मैंने निकाल दिए है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी SMPS सेक्शन ऑन हो चुका है। अभी मैं गेट ड्राइवर IC सारी लगा दूंगा और इसके बाद इसको ड्राइव को फिट करके मोटर चला के एक बार देख लूंगा। 40 पे एम्पियर देखो, 6.5 एम्पियर, कितना है? 6.5 एम्पियर, 10 HP का मोटर है। हट जा भाई, 5 एम्पियर आ गया। ब्रेक लगाओ थोड़ी, बढ़ रहा है। 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बंद कर से चेक करेंगे मोबाइल को। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, डिस्प्ले पे बता रही है 22 फ्रीक्वेंसी। हम अभी इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं टेस्ट लैम्प के जरिए। ये यू फेज है, ये वी है, और ये तीसरा वाला जो है वो डब्ल्यू है। यू और वी में देखते हैं तो लैम्प दोनों जल रहे हैं। लैम्प बता बता, दिख रहा है यू वी, यू डब्ल्यू और ये वी डब्ल्यू, यानी तीनों फेज कंप्लीट निकल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मैंने इसलिए चेक किया क्योंकि मैंने गेट ड्राइवर IC जो थी वो सारी निकाल दी थी, और वो लगाने के बाद भी फिक्स है या नहीं वो चेक करने के लिए मैंने तीनों फेज आउटपुट चेक किया। वैसे तो ये ड्राइवर में प्रॉब्लम नो डिस्प्ले का था, जैसे डिस्प्ले आता नहीं था, SMPS सेक्शन का प्रॉब्लम था। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो M5177 5AFB IC जो था वो ग्राउंड और आउटपुट के साथ शॉर्ट था, उसको हमने रिप्लेस किया है। अभी देखिए दोस्तों, हमने इसे का जो टर्मिनल था, पावर टर्मिनल जिसे कहते हैं, वो जल गया था। ये साइड आप देख सकते हो, इसको हमने निकाल के इस टाइप का 3 फेज कनेक्टर और आउटपुट 3 फेज निकाल दिया है और उसको इंस्टॉल कर दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें SMPS का प्रॉब्लम था जो हमने अभी शॉर्ट आउट करके इसे सक्सेसफुली रन कर दिया है। तो चलिए अब लगाते हैं इसे मोटर। फाइनली हमने इसको ओके कर दिए, जिसमें प्रॉब्लम था नो डिस्प्ले का हमने शॉर्ट आउट कर दिया है।